हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं दोस्त, यूपी पुलिस परीक्षा लीक का जो मामला है, कितना तूल पकड़े हुए है, कितने लाखों छात्र ये डिमांड कर रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो जो हमारी यात्रा है लखनऊ की तरफ, वो शुरू होने वाली है कल आपका सुबह 11 बजे से सिकंदराबाद से। तो इसकी भनक प्रशासन को भी लग चुकी है और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि भाई ये यात्रा कल ना शुरू होने पाए। यानी मेरे गांव में या मेरे घर, हर जगह पुलिस और एसटीएफ इस प्रयास में है कि मेरी अरेस्टिंग वो कर ले, और उसके लिए वो जो संभव उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं। मैं दोस्त अभी गुप्त तरीके से खुद को बचाए रखे हुए हूँ। मैं सारी सावधानी बरत रहा हूँ कि मैं कल वहां पहुंचूं और हर तरीके से मैं वहां पहुंचूं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल भाई वहां ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लें और ये प्रयास करें कि ये यात्रा रुक जाए। दोस्त, ये यात्रा आपकी है। अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तब भी ये यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, और जहां इस यात्रा को रोकने का प्रयास किया जाए और प्रशासन ये कर ले प्रयास कि भाई यहाँ इन बच्चों को हम रोक देंगे, भाई आप सब लोगों को पता होगा उसके अगले जिले से आपकी यात्रा फिर शुरू हो जानी चाहिए। यानी आपको लखनऊ चलना ही होगा, सारे साथियों को लखनऊ की तरफ रुख करना होगा। आपका जो भी जिला है, चाहे निकटवर्ती जिला हो लखनऊ से या दूर हो, आप सब लोग अपने ज्ञापन देने के लिए लखनऊ की ओर चलिए और एक रिक्वेस्ट मोड पर पहुंचिए कि हम लोग एक गलत डिमांड को लेकर के सीएम साहब को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और हम छात्रों का दर्द समझिए। समस्त साथी अध्यापक गण आप लोगों के साथ में, विवेक सर एग्जामपुर आपके साथ में है, कैरियर विल अरुण सर रीजनिंग, अरुण सर हिंदी आपके साथ में है, मारूफ सर प्रयागराज सुपर क्लाइमैक्स अकेडमी, और सभी अध्यापक इससे जुड़ रहे हैं। सभी अध्यापकों के निरंतर फोन आ रहे हैं कि इस यात्रा को हम सफल बनाएंगे और सभी लोग आप लोगों के साथ में हैं। तो दोस्त, ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, आप लोगों को ज्ञापन देना है, क्योंकि भाई दर्द और दुख आप लोगों का, हमारा सबका दुख हम लोगों तक पहुंच रहा है, और वो समझना ही होगा। क्योंकि ये साख की बात नहीं है कि ये पेपर लीक है तो ये साख की बात होगी। हम धन्य होंगे और हम हमेशा ऋणी रहेंगे उस एक डिसीजन के, हम प्रशासन के हमेशा ऋणी रहेंगे इस बात के लिए कि परीक्षा दोबारा होती है। इसमें कोई प्रश्न चिन्ह ये नहीं लगना चाहिए और इस बात से नहीं डरना चाहिए कि कोई प्रश्न चिन्ह है एक प्रशासन के ऊपर, बल्कि प्रशासन को तो दुख समझना चाहिए कि हम छात्रों का दुख क्या है, हम अध्यापकों का दुख क्या है, जिन दोस्तों ने दिन रात मेहनत की है वो दुख क्या है। और ऐसा भी हो सकता है साथी, ये मेरे इंस्टाग्राम से आपको अंतिम मैसेज हो, और ऐसा हो सकता है कि इसके बाद में ये जो सोशल साइट है मेरी, एक्टिविटी बंद हो जाए, लेकिन दोस्त मैं हर तरीके से हर संभव प्रयास करूंगा कि मुझे रोकने की जितनी कोशिशें हैं उसके बावजूद मैं पहुंचू। लेकिन दोस्त, अगर मान के चलिए इसमें जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, गांधी जी ने एक बार क्विट इंडिया मूवमेंट में एक बात कही कि